नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं नैन्सी बजाज, देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। भोपाल गैस पीड़ितों को अतिरिक्त 7,800 करोड़ रुपए मुआवजा नहीं मिलेगा। भोपाल गैस कांड के पीड़ितों का मुआवजा बढ़ाने का केंद्र सरकार की क्यूरेटिव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस याचिका ने गैस पीड़ितों को यूनियन काइबर्ड में करीब 7,800 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस अभय एस ओके, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जे के माहेश्वरी के बेंच ने कहा है कि केस दोबारा खोलने पर पीड़ितों की मुश्किलें बढ़ेगी। सरकार ने 2010 के क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की, जिस पर 12 जनवरी 2023 को एससी ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सरकार ने पक्ष रखते हुए कहा है कि पीड़ितों को अधर में नहीं छोड़ सकते। गैस कांड के बाद यूनियन काइबर्ड कॉरपोरेशन पीड़ितों ने $470 मिलियन 715 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है, लेकिन पीड़ितों ने ज़्यादा मुआवजा की मांग करते हुए कोर्ट में अपील की है। केंद्र ने 1984 गैस कांड पीड़ितों को डाउ केमिकल्स 7,884 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा मांगा है। इसके लिए दिसंबर 2010 में सुप्रीम कोर्ट के क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की गई है। गुजरात में भी H3N2 की दस्तक। देश में एक बार फिर से कोरोना के लक्षणों वाला फ्लू पैर पसारने लगे। गुजरात में भी पिछले कुछ समय से सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षणों वाले मरीजों की बाढ़ सी आ गई है। वडोदरा में सयाजी अस्पताल कोविड आइसोलेशन वार्ड H3N2 वायरस के 88 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत खबर आई। हाल की महिला की मौत H3N2 वायरस से होने की पुष्टि अभी नहीं हुई है। रिपोर्ट गांधीनगर के लैब भेजी गई है। अगर रिपोर्ट की पुष्टि हो जाए तो H3N2 वायरस में देश में होने वाले तीसरी मौत होगी। वडोदरा में फतेहगंज इलाके के रहने वाले 58 वर्षीय महिला को सर्दी, खांसी, बुखार जैसे सियासी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बावजूद उनकी बीमारी में कोई सुधार नहीं हुआ, इसलिए उन्हें इलाज के लिए कोविड वार्ड में शिफ्ट किया गया। रैपिड टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बताया जा रहा है कि महिला हाइपरटेंशन की मरीज थी और कई दिनों से वेंटिलेटर पर थी। वडोदरा को सियासी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मरीज को 2 दिन पहले इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था। महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग में मुस्तैदी बढ़ा दी गई। महिला के परिजनों के भी सैंपल लिए जा रहे ताकि दूसरे सदस्यों में संक्रमण होना या ना होने की पुष्टि हो सके। राम रहीम का राजनीति से तोबा। साध्वियों के यौन शोषण और मर्डर केस उम्र कैद की सजा भुगत रहे डेरे सदस्य सौदा के प्रमुख राम रहीम राजनीति से तोबा कर लिए। उसने डेरे के पॉलिटिकल विंग को भंग कर दिया। राम रहीम अपने अनुयायियों से कहा जा रहा है कि डेरे का कोई राजनीतिक विंग नहीं होगा। अब चुनाव में किस सियासी पार्टी का समर्थन करना, इसके फैसला यही पॉलिटिकल विंग करता है। मतदान में 24 घंटे पहले नेटवर्क के जरिए डेरे के लाखों अनुयायियों तक उससे जुड़े संदेश पहुँचाया। डेरे सच्चा सौदा के पॉलिटिकल विंग गठन वर्ष 2007 में पंजाब विधानसभा चुनाव के 1 साल पहले किया गया। राम रहीम 2017 पहली बार सजा होने के पिछले चुनाव में डेरा अपने अनुयायियों में बीजेपी के पक्ष में वोट देने के संदेश देता। हाल ही डेरा के कभी खुलकर ये समर्थन नहीं देता और मतदान में 24 घंटे पहले डेरा के पॉलिटिकल विंग की ओर से डेरा प्रेमियों के संदेश पहुँचाया जाता रहा। 2024 में लोकसभा चुनाव में 9 महीने पहले डेरा प्रमुख राम रहीम पॉलिटिकल विंग भंग करने का फैसला काफ़ी चौंकाने वाला था। डेरा से जुड़े सूत्रों के मुताबिक राम रहीम ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि डेरा अब समाज सेवा के काम पर फोकस करना चाहता है। जम्मू कश्मीर में कई लोकेशंस पर NI की रेड जारी। टेरर फंडिंग केस को लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA जम्मू कश्मीर में कई लोकेशंस पर छापेमारी कर रही है। कुलगाम, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां में संदिग्ध लोगों को घरों की तलाश ली जा रही। NIA के साथ पुलिस और CRPF के जवान भी ऑपरेशन में शामिल हैं। NIA ने पुलवामा से एक पत्रकार सरताज अल्ताफ भट्ट को हिरासत में लिया है। ये लोकल न्यूज़ आउटलेट ग्रोइंग कश्मीर में काम करते हैं। NIA पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर के प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के मुखिया और सदस्यों के आतंकी गतिविधियों को लेकर छापेमारी कर रहे हैं। ये संगठन साइबर स्पेस का इस्तेमाल करके माइनोराइटीज और सिक्योरिटीज पर्सनल को टारगेट कर रहे हैं। ये समुदाय के बीच अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि पाकिस्तान कमांडर्स और हैंडलर्स के कहने पर कई प्रतिबंधित आतंकी संगठन और उनसे जुड़े छोटे ऑर्गेनाइजेशन फर्जी नाम रखकर घाटी है और आतंक फैलाने का काम करते हैं। ये छापेमारी इस आपराधिक साजिश का पर्दाफाश करने के लिए की जा रही है।
इमरान की गिरफ्तारी किसी भी वक्त पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद के अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। ये मामला महिला जज की धमकी देने से जुड़ा। इसमें पहले खान ने खिलाफ 3 मामलों में गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुके, इनमें से एक उन्हें फिलहाल जेल जाने से राहत मिल चुकी। सोमवार को अदालत ने पुलिस के दिए ऑर्डर में कहा, इमरान को गिरफ्तार करने के बाद 29 मार्च को हमारे सामने पेश करें। पिछले 20 अगस्त को इमरान ने अपने खिलाफ आदेश देने वाली जेवा चौधरी को कोर्ट परिसर में धमकी दी। जियो न्यूज़ के लाइव रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इलेक्शन कैंपेन शुरू करने का ऐलान किया। चंद मिनट में आज आनंद फानन में एक रैली भी प्लान कर ली गई है। इमरान काले रंग की बुलेट प्रूफ गाड़ी में घर से निकले और सैकड़ों लोग उनके साथ चल रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान किसी भी तरह गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे, इसलिए वो समर्थकों की भीड़ को सहारा ले रहे। इसी तरह सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस उनकी गिरफ्तारी करने में सॉलिड स्ट्रेटजी बनाने में जुटी है। पुलिस को रेजेंस कमांडो की एक टीम खान की हरकत पर नजर रख रही। खान के लाहौर स्थित जमान पार्क वाले घर में घेरा हो जा चुका है। माना जा रहा है कि रात ये तड़के जैसे ही समर्थकों की तादाद कम होगी तो खान को गिरफ्तार किया जाएगा, इसके बाद हेलीकॉप्टर से इस्लामाबाद लाया जाएगा। ऑस्कर में चीन हावी होगा या भारत, पहले से तय 5वां ऑस्कर अवार्ड समारोह खत्म हो गया। पहली बार 2 ऑस्कर जीतने का जश्न पूरा भारत मना रहा है। इस बार ऑस्कर के मंचपर सिर्फ भारत ही नहीं पूरे एशिया की धूम रही है। एशियाई कलाकारों की कहानी वाली फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस बेस्ट फिल्म समेत 7 ऑस्कर जीते, लेकिन ये पहली बार नहीं है। ऑस्कर के प्लेटफॉर्म के एशियाई फिल्म कार को टैलेंट का पता चला। 1951 में अब तक का ऑस्कर का इतिहास बताया गया। 7वें दौर ऐसा जबकि अचानक से ऑस्कर का एशिया प्रेम जाग गया। खास बात यह कि 7 दौर पर ऐसे जब अमेरिकी राजनीति में ये एशिया पर फोकस ज़्यादा था, कभी अमेरिकी सरकार ने नीतियों के समर्थन में तो कभी उसके दूर विरोध भी ऑस्कर का झुकाव बदला। सरकार नीतियों के साथ आर्थिक मोर्चे पर रहे बदलावों में ऑस्कर छूता नहीं रहा। किसी एशियाई देश में आर्थिक तरक्की के साथ ही उस पर ऑस्कर का फोकस बदला। हॉलीवुड से खुलकर तो नहीं कही जाती, लेकिन माना जरूर जाता है कि खासतौर विदेशी फिल्मों को चुनने में राजनीतिक प्रभाव कई बार हावी जरूर होता है। जब वायुसेना के विमानों में मिजोरम में बरसाए बम 5 मार्च 1966 जगह पर। अभी मिजोरम की राजधानी आइजोल सुबह 11:30 में आसमान से 4 लड़ाकू विमान शहर को चारों ओर से घेर लेते और बम बरसाने लगते हैं, क्योंकि किसी दुश्मन देश के बल्कि भारतीय वायुसेना के विमान में उस वक्त मिजोरम असम का हिस्सा था और उसे मिजो हिल्स कहते थे। ये बमबारी 13 मार्च 1966 तक होती है। बमबारी को आज 57 साल हो चुके हैं जब इसकी पूरी कहानी बताएंगे, क्योंकि इंदिरा गांधी आदेश पर भारतीय वायुसेना बमबारी की। इस कहानी की शुरुआत ही होती 1960 में जब मिजो हिल्स असम राज्य का हिस्सा हुआ करता। इसी साल असम सरकार ने असमिया भाषा के राजकीय भाषा घोषित कर दी, यानी जिला जिसे असामी भाषा नहीं होती उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। मिजो लोग इसका विरोध करने लगे। 28 फरवरी 1961 में इसी तरह से मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF बना। इसका लाल डेंगा था। MNF शुरुआत में शांतिपूर्वक धरनों पर अपनी बात रखी। 1964 में असमिया भाषा लागू होने की वजह से असम रेजिमेंट अपनी 2nd बटालियन को बर्खास्त कर दी। इसमें से अधिकतर मिजो लोग थे, इसलिए मिजो हिल्स के लोगों नाराजगी बड़ी और शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन करने वाला है MNF हिंसों का उतर आया। इसी बीच मिजो वासी बटालियन से निकाले गए थे, MNF में शामिल हो गए। इन्हीं लोगों ने मिलकर मिजो नेशनल आर्मी बनाई। शिक्षा राज्य मंत्री से सवाल पूछने पर पत्रकार गिरफ्तार। माध्यम शिक्षा राज्य मंत्री से कामकाज का ब्यूरो मांगने पर यूपी पुलिस ने एक यूट्यूबर पत्रकार को गिरफ्तार किया। उसके बकायदा हथकड़ी पहनाकर रस्सियों से हाथ बांधकर ले जाया गया। इस पत्रकार के खिलाफ 13 मार्च को FIR दर्ज की गई है। इसका एक वीडियो भी सामने आया। यूट्यूबर को कल रात गिरफ्तार कर दिया गया, वहीं आज उनकी जमानत हो गई। इस मामले जब समाजवादी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी सरकार इमरजेंसी पर तानाशाही रवैया नहीं है तो क्या है। इस प्रियंका गांधी ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। ये पूरा मामला संभल कोतावली चंदोसी क्षेत्र बुद्ध नगर खंडवा का है। यूपी सरकार में माध्यम शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी एक चेक डैम के उद्घाटन में शिरकत करने पहुंची। वहां पर एक यूट्यूबर पत्रकार सुरेश राणा ने हाथ में माइक ID लेकर शिक्षा राज्य मंत्री के कार्यक्रम विकास कार्यों पर सवाल उठाते हुए शिकायतों की झड़ी लगा दी। यही नई लोगों पर हामी भरवाई और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चों के जिला मंत्री शुभम राघव ने यूट्यूबर पत्रकार संजय राणा के खिलाफ कोतावली चंदोसी पुलिस तहरीक देखकर
मारपीट का केस दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने संजय राणा के खिलाफ मारपीट और गाली गलौज करने के धाराओं का मुकदमा दर्ज किया और यूट्यूबर को कल रात से गिरफ्तार कर दिया गया। वहीं आज उसकी जमानत भी हो गई है। आज से शुरू होगी ऑल इंग्लैंड चैंपियन बैडमिंटन। आज ऑल इंग्लैंड चैंपियन शुरू होने जा रहे हैं। भारत में 15 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इंग्लैंड चैंपियन बैडमिंटन से सबसे बड़े टूर्नामेंट में एक, ये दुनिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। 1899 में पहली बार आयोजित होगा। भारत के एक देखे गए टूर्नामेंट में अब तक 2 बार भारतीय खिलाड़ी जीते हैं। भारत 22 साल से खिताब की आस है। आखिरी बार इसे फुलेला गोपीचंद 2001 में जीते थे। भारत के प्रकाश पादुकोण में साल 1980 में पहली बार जीता। हाल की पीवी संधु साल 2015 के लक्ष्य सैन साल 2022 टूर्नामेंट में फाइनल तक पहुंच चुके थे लेकिन जीत नहीं सके। इस साल भारत के युवा सितारे लक्ष्य सैन, लीजन पीवी संधु और सात्विक चिराग की जोड़ी है। खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। मैन सिंगल भारत में टॉप खिलाड़ी प्रज्ञा HS लक्ष्य सैन किताबी श्रीकांत हिस्सा ले रहे। सैन का मुकाबला ताइवान के जो से आज शाम 6 बजे होगा। वहीं प्रणय ताइवान का वांग 3:45 भिड़ेंगे। श्रीकांत का मुकाबला कल यानी 15 मार्च को फ्रांस के पोवेव में होगा। ऑस्कर भारत को पहली बार 2 अवार्ड पहचान भी। ऑस्कर सेरेमनी की पहली बार भारत को पहली बार 2 अवार्ड मिले। फिल्म ट्रिपल आर के गाने नाटर को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता। वहीं द एलिफेंट वीपर्स बेड डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म बनी। हाल की डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म ऑल दैट बीट्स रेस से बाहर हो चुके हैं। ऑस्कर अवार्ड में इन दिनों कैटेगरी में भारत को नॉमिनेशन मिला। नाटू नाटू को इससे पहले गोल्डन ग्लोबस अवार्ड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब मिला। द ऑस्कर सेरेमनी ट्रिपल आर के नाटू नाटू गाना लिखने वाले चंद्र बोस और कंपोजर SM किरावानी ट्रॉफी ली। इस दौरान फिल्म डायरेक्टर राजमौली पीछे बैठे रहे। ट्रिपल आर को तेलुगु मीनिंग रोड्रम रानम रुधिरम और हिंदू राइस रोल रिवोल्ट बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री चुनी गई। द एलिफेंट वीपर्स को डायरेक्टर कार्तिकी गोंजालेस और प्रोड्यूसर गुनीत मोगा अवार्ड लिया। इस दौरान सेरेमनी में मौजूद दीपिका पादुकोण भावुक हो गए। सेरेमनी के प्रेजेंटर के तौर पर पहुंची थी। ऑस्कर सेरेमनी की शुरुआत भारतीय समय के मुताबिक सोमवार सुबह 5:30 बजे अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ट्रिपल आर और द एलिफेंट वीपर्स मेकर्स को बधाई दी। उन्होंने कहा कि असाधारण नाटू नाटू की लोकप्रियता वैश्विक है। ये एक ऐसा गाना है जिसे आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। इस सम्मान के लिए MS किरावानी और चंद्र बोस समेत पूरी टीम को बधाई। भारत प्रफुल्लित और गौरवान्वित है। ये थी सुबह की 10 ताजा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।